बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्लास टेंथ, आज हम ट्रांजिशन पैसेजेस करेंगे जो कि आपके सिलेबस में 40 पैराग्राफ हैं, 40 पैराग्राफ हैं, और इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन, इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसका पेज नंबर बेटा आपने ओपन करना है, पेज नंबर है बेटा 138, पेज नंबर है 138। अब हम सबसे पहले इसकी उर्दू रीडिंग करेंगे, उसके बाद इसके आपको वर्ड्स मीनिंग बताए जाएंगे, और लास्टली आपको इसकी ट्रांसलेशन पढ़ाई जाएगी। सबसे पहले आपको ये बता दूं बेटा कि ये जो पैराग्राफ आएगा इसकी उर्दू आएगी, और इसका क्वेश्चन जो आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। इसका क्वेश्चन इस तरह आएगा, ट्रांसलेट द फॉलोइंग Translate the following passage into English। ये इस तरह का क्वेश्चन आएगा कि उर्दू पेपर में आएगी, पूरे पैराग्राफ की उर्दू पेपर में आएगी आपको, और आपने इसकी इंग्लिश बनानी है, इसकी इंग्लिश आपने बनानी है, और इसकी सबसे पहले आपको पेपर में उर्दू आएगी। और ये पैराग्राफ जो होगा ना वो 10 मार्क्स का होगा, बोर्ड के एग्ज़ाम में इसके 10 नंबर होंगे, और ये एक ही पैराग्राफ आएगा। ये टोटल पैराग्राफ है 40 हैं, और उसमें से सिर्फ और सिर्फ आप एक पैराग्राफ आएगा जो कि आपने एक ही अटैम्प्ट करना है। सो स्टार्ट करते हैं। Translate the following passage into English। दर्जेल पैराग्राफ की इंग्लिश कीजिए। मेरे घर के सामने एक बाग है, इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। अब वो यहाँ हैं और दूसरे ही लम्हे बाग के दूसरे कोने में हैं। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। बहुत से माली बाग की देखभाल करते हैं। अब बेटा पहले इनके वर्ड्स को अंडरलाइन करते हैं, उसके बाद उनके आपको मानी बताए जाएंगे। जैसे ये यहाँ इन्होंने दिए हुए हैं, जैसे देखिए बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट्स हैं, प्लांट्स इट मीन्स पौधे, प्लांट्स पौधे, स्प्रिंग बोलते हैं मौसम बहार को, मौसम बहार, स्प्रिंग मौसम बहार। टू ब्लूम होता है फूल का खिलना, फूल का खिलना। फूल का खिलना
फ्रेग्रेंस बोलते हैं खुशबू को, टू स्प्रेड फैल जाना, टू इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, देन मोमेंट लम्हा, कॉर्नर कोना, टू लुक आफ्टर देखभाल करना, टू लुक आफ्टर मीन्स देखभाल करना। अच्छा बेटा, इसकी वोकैबुलरी दोबारा से आपको अंडरस्टैंड करवाना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, इसके अंदर जो जो मुश्किल उर्दू आई हुई है, नीचे उन्होंने इसकी इंग्लिश दी हुई है, मैंने इसके साथ उर्दू लिख दिया ताकि आप अंडरस्टैंड करने में आपको आसानी हो। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल है प्लांट्स पौधे, स्प्रिंग मौसम बहार, टू ब्लूम फूल का खिलना। अब देखिए टू आ गया है और आपने हमेशा याद रखना है कि टू के बाद फेल यानी वर्ब की पहली फॉर्म शर्त है, वो भी ऐसी है इसके बगैर। ये कंडीशन है, जब भी टू आएगा उसके फौरन बाद हमेशा वर्ब की यानी फेल की हमेशा पहली फॉर्म आएगी। टू ब्लूम फूल का खिलना, फ्रेग्रेंस बोलते हैं खुशबू को, टू स्प्रेड फैल जाना, टू इंजॉय लुत्फ़अंदोज़ होना, उसके बाद है मोमेंट लम्हा, कॉर्नर कोना, टू लुक आफ्टर देखभाल करना, टू लुक आफ्टर देखभाल करना। अब हम इसकी इस पैराग्राफ की, जैसा कि ये उर्दू आई हुई है, हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे। और ये पैराग्राफ जो है ना, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पे मबनी है। प्रेजेंट इंडेफिनिट मीन्स फेल हाल मुतलिक, यानी प्रेजेंट सिंपल टेंस भी बोलते हैं। उर्दू हम अपने सामने रखते हैं और अब हम आपको इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करना बताते हैं कि इसको कैसे हम इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। जैसा कि सबसे पहले है, मेरे घर के सामने एक बाग है। पैराग्राफ्स, पैसेज नंबर वन, ये बोर्ड में क्वेश्चन आएगा आपको इस तरह, ट्रांसलेट ट्रांसलेट द फॉलोइंग passage into English. Translate the following passage into English. और ये पेपर में बेटा आपको 10 मार्क्स का आएगा, इसके 10 नंबर होंगे। अब पैराग्राफ नंबर एक है, मेरे घर के सामने एक बाग है। जैसे आप देख रहे हैं उर्दू हमारे सामने है, हम अब हम इसको इंग्लिश में इसको कन्वर्ट करेंगे। मेरे घर के सामने एक बाग है, मेरे घर के
सामने एक बाग है तो इसको हम करेंगे देयर इज अ गार्डन, देयर इज अ गार्डन देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। इसमें बहुत से पौधे उद्रत हैं, इसमें बहुत से इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं। इट हैज मैनी इट हैज मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज, प्लांट्स एंड ट्रीज। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। बहार के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं। फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन, ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन। इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है, इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है। दियर फ्रैग्रेंस स्प्रेड्स अराउंड, स्प्रेड्स अराउंड। दियर फ्रैग्रेंस स्प्रेड्स अराउंड। शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है। द गार्डन इज फील्ड, गार्डन इज फील्ड विथ मैन वुमेन मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन
इन द इवनिंग। इन द इवनिंग। नेक्स्ट वन है, लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। लोग इधर उधर लोग इधर उधर फिरते और लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ उठाते हैं। पीपल वॉक अबाउट, वॉक अबाउट एंड enjoy themselves. People walk about and enjoy themselves. People walk about and enjoy themselves. Next one है, बच्चे बाग में दौड़ते हैं। बच्चे बाग में दौड़ते हैं। चिल्ड्रन चिल्ड्रन रन इन द गार्डन। रन इन द गार्डन। अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे बाग के दूसरे कोने में हैं। अब वो यहाँ हैं और दूसरे ही लम्हे वो बाग के दूसरे कोने में हैं। Now this moment they are here. Now this moment they are here. They are here and the next moment they are in the other corner of the garden. Of the garden. Next. पैसेज नंबर वन का भी रिमेनिंग पार्ट है। पैसेज नंबर वन इसके रिमेनिंग पार्ट है। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूं। हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ। आई ऑल्सो गो टू दिस गार्डन For a walk, in the evening.
इन द इवनिंग, लास्ट लाइन है बेटा इसमें, वो से माली बाग की देखभाल करते हैं, वो से माली बाग की देखभाल करते हैं, तो इसकी ट्रांसलेशन होगी मैनी गार्डनर्स Many gardeners look after the many gardeners look after the garden. ये आपका बेटा पैसेज नंबर वन कंप्लीट हो गया है. एक दफ़ा दोबारा इसकी रीडिंग करेंगे उर्दू भी और इंग्लिश भी. पैराग्राफ आपको ये बता दें, दोबारा से रिपीट करने लगा हूँ. ये जो पैराग्राफ आएगा वो इस तरह आएगा, एक ही पैराग्राफ होगा, इसमें कोई भी आपको ऑप्शन नहीं होगी. ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. दर्जा ज़ैल पैराग्राफ की आपने इंग्लिश बनानी है और ये 10 मार्क्स आएगा पेपर्स में. ये पैसेज नंबर वन है, ये टोटल इनकी तादाद जो है ना 40 है. अभी मैंने पहला आपको करवाया है. ये मेरे घर के सामने एक बाग है. देर इज़ अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई हाउस. इसमें बहुत से पौधे और दरख्त हैं. इट हैज़ मैनी प्लांट्स एंड ट्रीज. बाहर के मौसम में कई रंग के फूल खिलते हैं. फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स ब्लूम इन द स्प्रिंग सीजन. इनकी खुशबू इर्द गिर्द फैल जाती है. देयर फ्रेग्रेंस स्प्रेड्स अराउंड. शाम को बाग आदमियों, औरतों और बच्चों से भर जाता है. द गार्डन इज़ फिल्ड विद मैन वुमेन एंड चिल्ड्रन इन द इवनिंग. लोग इधर उधर फिरते और लुत्फ़ उठाते हैं. पीपल वॉक अबाउट एंड इन्जॉय देमसेल्व्स. बच्चे बाग में दौड़ते हैं. चिल्ड्रन रन इन द गार्डन. अब वो यहाँ हैं और दूसरे लम्हे बाग के दूसरे कोने में हैं. नाउ This moment they are here and the next moment they are in the other corner of the garden. इसका remaining part है. हर शाम मैं भी बाग में सैर के लिए जाता हूँ. I also go to this garden for a walk in the evening. बहुत से माली बाग की देखभाल करती हैं. Many gardeners look after the garden. Many gardeners look after the garden. इसके बाद बेटा हम पैसेज नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे. इसके बाद बेटा हम पैसेज नंबर 2 देखते हैं. इसे पैसेज नंबर 2 की उर्दू है. आपके सामने पैसेज नंबर 2 है. ज़िंदगी के नशीब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है और इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और इसके मुकाबले की सख्त ख़त्म हो जाती है. ये बात इंसान की असमत के खिलाफ है. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है. इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे. अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा. ये बेटा नीचे इसकी वोकैबुलरी है. हम फर्स्ट ऑफ ऑल इसको अंडरस्टैंड करते हैं. अप्स एंड डाउन्स बोलते हैं नशीब फराज या उतार चढ़ाव. ये अप्स एंड डाउन्स नशीब फराज. फराज मोमेंट्स बोलते हैं लम्हात को. मोमेंट्स लम्हात. To lose hope, नाउमीद होना. नाउमीद होना. To face
मुकाबला करना, टू फेस मीन्स मुकाबला करना, नेक्स्ट है पावर, पावर बोलते हैं हिम्मत या हौसला या कुव्वत, डिग्निटी अजमत, डिग्निटी अजमत, नेक्स्ट वन है प्रोग्रेस तरक्की, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन बोलते हैं मनज़्ज़म इरादा यानी पुख्ता इरादा, मनज़्ज़म इरादा, नेक्स्ट है परसिवरेंस बोलते हैं हिम्मत को, हिम्मत, नेक्स्ट वन है टू लूज हार्ट, हिम्मत हारना, टू लूज हार्ट बेटा होता है हिम्मत हारना, मैनली मर्दानावार, मैनली बोलते हैं मर्दानावार, फेलियर्स नाकामियां, फेलियर्स नाकामियां, दोबारा से देखते हैं बेटा इसके वर्ड्स मीनिंग पैराग्राफ के, दोबारा से देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल अप्स एंड डाउन्स नशीब फ्रांस या उतार चढ़ाओ, मोमेंट्स लम्हात, टू लूज होप ना उम्मीद होना, टू फेस मुकाबला करना सामना करना, पावर बोलते हैं कुव्वत को हिम्मत को हौसला को, डिग्निटी अजमत, प्रोग्रेस तरक्की, डिटर्मिनेशन मुनज़्ज़म इरादा या पुख्ता इरादा, परसिवरेंस बोलते हैं हिम्मत को, टू लूज हार्ट हिम्मत हारना, मैनली मर्दानावार, फेलियर्स नाकामियाँ। अब हम इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन करते हैं, इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं। पैसेज नंबर बेटा टू है, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये पैराग्राफ आएगा उर्दू का, उसको आपने कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। सो पहली लाइन है, जिंदगी के नशीब अफराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, जिंदगी के नशीबों फराज में ऐसे लम्हात आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउम्मीद हो जाता है, such moments moments such moments occur occur in the
इन द अप्स एंड डाउन्स इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ अ मैन्स लाइफ man's life when a man totally loses his hope when a man totally loses his hope next है इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और इसके मुकाबले की सख्त खत्म हो जाती है इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और इसके मुकाबले की सकत खत्म हो जाती है खत्म हो जाती है ही बिकम्स अ पेसिमिस्ट He becomes a pessimist. And the power of competition 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 disappears DIS hyphen लगाएं और APPEARS disappears it means गायब हो जाना खत्म हो जाना खत्म हो जाना ये बात इंसान की अस्तित्व के खिलाफ है ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन इट इज अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मैन ये बात इंसान की अजमत के खिलाफ है दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है
फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड ऑल द All the progress in the world, all the progress in the world is the result of determination nation and perseverance that God has granted to man, Next है, इंसान को चाहिए कि वो कभी भी हिम्मत ना हारे, बल्कि एक मर्दाना बार नाकामियों का मुकाबला करें। इंसान को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे। Man should never lose heart. इंसान को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे. नेक्स्ट पेज इसके लिए अब यूज करते हैं इसके जो रिमेनिंग पैसेज नंबर टू रिमेनिंग पार्ट पैसेज नंबर टू इसका रिमेनिंग पार्ट है. बल्कि मर्दानावार नाकामियों का मुकाबला करें. Instead, he should face the failures manfully. Instead, he should face the failures manfully. लास्ट बेटा इसकी लाइन है, अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा. अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा. One day God will bless him with success. S-U-C-C-E-S-S, success means कामयाबी. अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा. इस पैराग्राफ को हम स्टार्टिंग से देखते हैं. पैसेज नंबर टू ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश. जिंदगी के नशीब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नाउमीद हो जाता है. सच मोमेंट्स
occur in the man's, such moments occur in the ups and downs of a man's life when a man totally loses his hope. इससे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है और इसके मुकाबले की सख्त खत्म हो जाती है. He becomes a pessimist and the power of competition disappears. ये बात इंसान की इज्जत के खिलाफ है. It is against the dignity of man. It is against the dignity of man. दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़्म व हिम्मत का नतीजा है कि जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फरमाई है. ऑल द प्रोग्रेस इन द वर्ल्ड इज द रिजल्ट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड परसेवरेंस दैट गॉड हैज़ ग्रांटेड टू मैन. इंसान को चाहिए कि वो कभी हिम्मत ना हारे. मैन शुड नेवर लूज हॉट. मैन शुड नेवर लूज हॉट. इसका रिमेनिंग पार्ट जो है ना नेक्स्ट पेज पे हैं, वो चेक करते हैं. पैसेज नंबर टू इसका रिमेनिंग पार्ट है. बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे. इंस्टेड ही शुड फेस द फेलियर्स मैनफुली. अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा. वन डे गॉड विल ब्लेस हिम विद सक्सेस. वन डे गॉड विल ब्लेस हिम विद सक्सेस. अल्लाह ताला एक दिन जरूर कामयाबी अता करेगा. बेटा इसके बाद हम पैसेज नंबर थ्री करेंगे. पैसेज नंबर थ्री है पेज नंबर 138. पैसेज नंबर थ्री बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. बेटा अब हम पैराग्राफ नंबर जो है ना थ्री स्टार्ट करने लगे हैं. पैराग्राफ नंबर थ्री है. पेज नंबर 138 है इसका. पैराग्राफ नंबर थ्री है. एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गिदड़ एक दरिया के किनारे रहता था. दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे. दरिया गहरा और चौड़ा था. गिदड़ जी भरकर खरबूजे खाना चाहता था. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. ऊंट रजामंद हो गया. गीदड़ ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया. ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया. गीदड़ खरबूजों के खेत में घुस गया और मज़े से खरबूजे खाने लगा. देखें बेटा इसमें सबसे पहले जो है ना ये देखें यहाँ भी उन्होंने किया हुआ. नंबर वन पे ये गीदड़ है, ठीक है. नंबर टू पे ये खरबूजे. फिर नेक्स्ट नंबर थ्री पे ये गहरा. नंबर फोर पे ये चौड़ा. नंबर फाइव पे अबूर. नंबर सिक्स पे शुक्रगुजार. नंबर सेवन पे रजामंद. नंबर एट पे छलांग लगाना. नंबर नाइन पे चलता हुआ. नंबर नाइन तक है. और ये नीचे देखें वोकैबुलरी दी हुई है. अब हम इसको इसकी उर्दू लिखते हैं. जैकल का मतलब होता है गीदड़. यहाँ लिख लें ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग मज़ीद क्लियर हो जाए. मेलन्स बोलते हैं खरबूजों को, खरबूजे. डीप बोलते हैं गहरा, डीप गहरा. वाइड, वाइड बोलते हैं चौड़ा. टू क्रॉस अबूर करना, टू क्रॉस अबूर करना. थैंकफुल शुक्रगुजार. टू एग्री रजामंद होना, इत्तफाक करना. रजामंद होना, इत्तफाक करना. टू जंप इट मीन्स छलांग लगाना.
टू वेट थ्रो इट मीन्स होता है चलता हुआ, चलता हुआ। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, एक दफा फिर इसकी रीडिंग करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है जैकल, इट मीन्स होता है गीदर। मेलन्स बोलते हैं हरबूजे। डीप गंग, डीप गहरा। वाइड चौड़ा। टू क्रॉस अबूर करना। थैंकफुल शुक्रगुजार। टू एग्री रजामंद होना। टू जंप छलांग लगाना। टू वेट थ्रो चलता हुआ, टू वेट थ्रो चलता हुआ। अब इस पैराग्राफ की हम इंग्लिश करेंगे। पैसेज नंबर बेटा है हमारे पास, पैसेज नंबर है पैसेज नंबर 3। पैसेज नंबर 3, 10th क्लास, इंग्लिश, पैसेज नंबर 3 है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। ये पैराग्राफ है, एक दफा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। एक दफा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे, दरिया के किनारे रहता था। इसकी इंग्लिश होगी वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर, लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे। देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स, देयर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर, ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर। नेक्स्ट है दरिया गहरा और चौड़ा था। दरिया गहरा और चौड़ा था। द रिवर वॉज डीप एंड ब्रॉड। द रिवर वॉज
डीप एंड वाइड भी बोल सकते हैं, ब्रॉड भी बोल सकते हैं, दोनों ही ठीक है. द रिवर वॉज डीप एंड वाइड. नेक्स्ट है, गीदड़ जी भर कर खरबूजे खाना चाहता था. गीदड़ जी भर कर खरबूजे खाना चाहता था. द जैकल वॉन्टेड, द जैकल वॉन्टेड टू ईट द मेलन्स टू हिज फील, टू ईट द मेलन्स, ईट द मेलन्स टू हिज फील. गीदड़ जी भर के खरबूजे खाना चाहता था. द जैकल वॉन्टेड टू ईट द मेलन्स टू हिज फील. नेक्स्ट है, वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. उदरिया अबूर नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल. वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा, तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. इफ यू गेट मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, अगर तुम मुझे दरिया के दूसरे किनारे ले चलो. इफ यू गेट मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर कामा. याद रखने बेटा, ये जो तो है ना, इसकी जो इंग्लिश है वो कामा है. ये जो तो लिखा हुआ है ना, तो सो नहीं होती, इसकी इंग्लिश कामा लगाना है, ये कामा. तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. आई शैल बी थैंकफुल टू यू. आई शैल बी थैंकफुल टू यू. आई शैल बी थैंकफुल टू यू. नेक्स्ट है, ऊंट रजामंद हो गया. ऊंट रजामंद हो गया. The camel agreed
AGREET द कैमल एग्रीड। पैसेज नंबर 3 का रिमेनिंग पार्ट नेक्स्ट पेज पे है। पैसेज नंबर 3 है 10th क्लॉज रिमेनिंग पार्ट है इसका। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश ऊंट रजामंद हो गया। गीदर ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। गीदर ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया। चढ़ गया द जैकल जंप्ड अप ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल। द जैकल जंप्ड अप JUMPED जंप्ड अप ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल। कैमल ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल नेक्स्ट है ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया। ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पहुंच गया। वेडिंग थ्रू द रिवर। वेडिंग थ्रू द रिवर कॉमा द कैमल रीच्ड द अदर बैंक। द कैमल रीच्ड द अदर बैंक। Wading through the river, the camel reached the other bank. गीदर खरबूजों के खेत में घुस गया। गीदर खरबूजों के खेत में घुस गया। गीदर खरबूजों के खेत में घुस गया। The jackal entered the melon field. The jackal entered the melon fields. Next है और मजे से खरबूजे खाने लगा। और मजे से खरबूजे खाने लगा। और मज़े से खरबूजे खाने लगा। एंड बिगिन टू ईट। एंड बिगिन टू ईट द मेलन्स। एंड बिगिन टू ईट द मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट। विद ग्रेट डिलाइट। पैसेज नंबर जो 3 है ये हमारा फिनिश हो गया है। अब स्टार्टिंग से इसकी रीडिंग करते हैं उर्दू ट्रांसलेशन के साथ। 10th क्लास पैसेज नंबर 3 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। पैसेज नंबर 3 एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गीदड़ एक दरिया के किनारे रहता था। वंस अ जैकल लिव्ड ऑन द बैंक ऑफ अ रिवर। दरिया के दूसरे किनारे पर खरबूजे के बहुत से खेत थे।
देर वर मैनी मेलन फील्ड्स ऑन द अदर साइड ऑफ द रिवर. दरिया गहरा और चौड़ा था. द रिवर वॉज डीप एंड वाइड. गीदर जी भर कर खरबूजे खाना चाहता था. द जैकल वॉन्टेड टू ईट द मेलन्स टू हिज फिल. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. वो दरिया अबूर नहीं कर सकता था. ही कुड नॉट क्रॉस द रिवर. एक दिन उसने अपने दोस्त ऊंट से कहा. वन डे ही सेड टू हिज फ्रेंड कैमल, अगर तुम मुझे दूसरे किनारे ले चलो तो मैं बहुत शुक्रगुजार होऊंगा. इफ़ यू गेट मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर आई शैल बी थैंकफुल टू यू. इफ़ यू गेट मी टू द अदर बैंक ऑफ द रिवर आई शैल बी थैंकफुल टू यू. ऊंट रजामंद हो गया. द कैमल एग्रीड. द कैमल एग्रीड. नेक्स्ट पेज है इसका रिमेनिंग पार्ट. पैसेज नंबर 3 रिमेनिंग पार्ट है. गीदर ऊंट की पीठ पर छलांग लगाकर चढ़ गया. द जैकल जंप्ड अप ऑन टू द बैक ऑफ द कैमल. ऊंट दरिया में से चलता हुआ दूसरे किनारे पर पहुंच गया. वेडिंग थ्रू द रिवर. वेडिंग थ्रू द रिवर. द कैमल रीच्ड द अदर बैंक. गीदर खरबूजे के खेत में घुस गया. द जैकल एंटर्ड द मेलन फील्ड्स. और मज़े से खरबूजे खाने लगा. एंड बिगेन टू ईट द मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट. एंड बिगेन टू ईट द मेलन्स विद ग्रेट डिलाइट. ये बेटा आपका पैराग्राफ नंबर जो 3 था वो कंप्लीट हो गया है. अब इसके बाद जिस पैराग्राफ को हम स्टार्ट करेंगे वो पैराग्राफ है पैसेज नंबर 4. पैसेज नंबर 4 है. पैसेज नंबर 4 इसकी हम अभी बिगिनिंग करेंगे. पैसेज नंबर 4 की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलाम वालेकुम क्लास 10th. अब आपका पैसेज नंबर 4 है ट्रांसलेशन का. इसकी पहले उर्दू रीडिंग करते हैं. डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल ख़त्म हो जाएगा. हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मज़ीद ज़खीरे दरियाफ्त करे. मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी. ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरत को कम करें. सनअत तजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता. अलबत्ता निजी ज़रूरतों में इसका इस्तेमाल कम किया जा सकता है. हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें ताकि तालिब इल्मों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके. अब बेटा अब देखिए जैसे इन्होंने अंडरलाइन किए हुए हैं सबसे पहले ये ख़त्म हो जाना. इसकी हम इंग्लिश आपको बताएंगे बाद में. ये वोकैबलरी में लिखी हुई है. नंबर 2 पे मज़ीद. नंबर 3 पे ज़हीरे. नंबर 4 पे दरियाफ्त करना. नंबर 5 पे हद. नंबर 6 पे ज़रूरत. नंबर 7 पे ज़रूरियात. नंबर 8 पे कम करना. नंबर 9 पे सनद. नंबर 10 पे ज़रात. नंबर 11 पे खपत. नंबर 12 पे ज़रूरतों. नंबर 13 पे दरामद. इसी तरह नंबर 14 पे सहूलत. ये देखिए नीचे इन्होंने इसकी वोकैबलरी में इंग्लिश लिखी हुई है. रन आउट का मानी होता है फर्स्ट ऑफ ऑल. रन आउट मीन्स ख़त्म होना. नंबर 2 पे मोर मैंने होता है मज़ीद. मोर मैंने होता है मज़ीद. नंबर 3 पे है रिसोर्सेज. ज़हीरे. नंबर 5 पे डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना. डिस्कवर.
दरियाफ्त करना। नंबर फाइव पे हाउ फार किस हद तक द नीड ऑफ द आर वक्त की ज़रूरत मीन्स होता है द नीड ऑफ द आर। नेक्स्ट वन है रिक्वायरमेंट्स बोलते हैं बेटा ज़रूरियात को, रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात। टू कट शॉर्ट कम करना इंडस्ट्री बोलते हैं सनत को, इंडस्ट्री सनत। एग्रीकल्चर ज़राइत। कंजम्पशन बोलते हैं खपत को। नेक्स्ट है प्राइवेट नीड्स बोलते हैं निजी ज़रूरियात। नेक्स्ट है इंपोर्ट दरामद करना। फैसिलिटी सहूलत। दोबारा से इसके वर्ड्स में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है रन आउट ख़त्म होना, मोर मजीद, रिसोर्सेज ज़हीरे, टू डिस्कवर दरियाफ्त करना। हाउ फार किस हद तक द नीड ऑफ द आवर वक्त की ज़रूरत रिक्वायरमेंट्स ज़रूरियात। टू कट शॉर्ट कम करना इंडस्ट्री सनत। एग्रीकल्चर ज़राइत। कंजम्पशन खपत। प्राइवेट नीड्स निजी ज़रूरियात। इम्पोर्ट दरामद करना। फैसिलिटी सहूलत। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। क्लास 10th है। पैसेज नंबर 4 है बेटा। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। उर्दू का पैराग्राफ आएगा तो उसको आपने इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। इसकी स्टार्टिंग करते हैं। डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा। There is a fear that the oil of the world will run out after a few years. There is a fear that the oil of the world will run out after a few years. Next है हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद ज़हीरे दरियाफ्त करे। हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद ज़हीरे दरियाफ्त करे।
एवरी कंट्री एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स आर ई एस ई आर वी ई एस रिजर्व्स आर ई एस ई आर वी ई एस रिजर्व्स ऑफ ऑयल एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल. नेक्स्ट है, मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी. मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी. इट इज नॉट नाउन, इट इज नॉट नाउन हाउ फार, इट इज नॉट नाउन हाउ फार दिस स्ट्रगल विल सक्सीड. S-U-C-C-E-D. It is not known how far this struggle will succeed. जरूरत इस बात की है कि हम अपने तेल की जरूरत को कम करें. जरूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की जरूरियात को कम करें. द नीड ऑफ द आवर इज द नीड ऑफ द आवर इज टू कट शॉर्ट आवर ऑयल रिक्वायरमेंट्स आवर ऑयल R E Q U I R E requirements संत तजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता. संतो तजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता. द कंजम्पशन ऑफ ऑयल द कंजम्पशन ऑफ ऑयल CONSUMPTION consumption of oil in industry 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 and agriculture 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 cannot be minimized minimized MISED minimized it means hota hai kam karna. The consumption of oil in industry and agriculture cannot be minimized. Albatta niji zaruraton ko kam kiya ja sakta hai. Albatta niji zaruraton ko kam kiya जा सकता है. अलबत्ता निजी जरूरतों को कम किया जा सकता है. एनी हाउ
एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसेंड एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसेंड एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसेंड लेसन का मतलब है कम करना। इसका रिमेनिंग पार्ट हम नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पैसेज नंबर 4 का रिमेनिंग पार्ट है हमें चाहिए कि बाइक से कारों की जगह 10th क्लास पैसेज नंबर 4 रिमेनिंग पार्ट है हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें we should import buses in place of cars हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें वी शुड इंपोर्ट बसेस इन प्लेस ऑफ कार्स ताकि तालिबों के लिए बसों की सूरत को बेहतर बनाया जा सके ताकि तालिब इलमों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके so that the facility 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 of buses may be improved for the students so that the facility of buses may be improved for the students is paragraph ki dobara se english translation karte hain tenth class passage number 4 it translates the following passage into english डर है कि चंद साल बाद दुनिया का तेल खत्म हो जाएगा देयर इज फियर दैट द ऑयल ऑफ द वर्ल्ड विल रन आउट आफ्टर अ फ्यू ईयर्स हर मुल्क ये कोशिश कर रहा है कि तेल के मजीद ज़खीरे दरियाफ्त करे एवरी कंट्री इज ट्राइंग टू डिस्कवर मोर रिजर्व्स ऑफ ऑयल मालूम नहीं कि ये कोशिश किस हद तक कामयाब होगी इट इज़ नॉट नाउन How far this struggle will succeed? It is not known how far this struggle will succeed. ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी तेल की ज़रूरत को कम करें The need of the hour is to cut short our oil requirements. सन तो तजारत में तेल की खपत को कम नहीं किया जा सकता The consumption of oil in industry and agriculture cannot be minimized. अलबत्ता निजी ज़रूरतों को कम किया जा सकता है एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसेंड एनी हाउ प्राइवेट नीड्स कैन बी लेसेंड
इसका रिमेनिंग पार्ट है टेंथ क्लास, रिमेनिंग पार्ट है पैसेज नंबर 4 का। हमें चाहिए कि बाहर से कारों की जगह बसें दरामद करें। वी शुड इम्पोर्ट बसेज इन प्लेस ऑफ कार्स, ताकि तालिबों के लिए बसों की सहूलत को बेहतर बनाया जा सके। सो दैट द फैसिलिटी ऑफ बसेज, द फैसिलिटी ऑफ बसेज में बी इम्प्रूव फॉर द स्टूडेंट्स। बेटा आपका पैसेज नंबर 4 कंप्लीट हो गया है। अब हम जिस पैसेज की स्टार्टिंग करेंगे वो पैसेज नंबर है, पैसेज नंबर 5। पैसेज नंबर 5 है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास टेंथ। अब हम पैसेज नंबर 5 की तरफ चलते हैं। पैसेज नंबर 5 है, सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि ये पैराग्राफ जो बोर्ड में आएगा, ये टोटल नंबर ऑफ पैसेजेस जो 40 हैं, ये एक ही पैराग्राफ आएगा जो कि 10 नंबर का होगा। तो आपको इसकी क्वेश्चन पेपर पे इसकी उर्दू लिखी होगी, तो आपने इसकी इंग्लिश लिखनी है। इस वजह से मैं पहले सबसे पहले इसकी उर्दू रीडिंग करता हूँ। पैसेज नंबर 5 है, टेंथ क्लास। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ। जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, वो सब के सब काबिल हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद है। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। इनकी पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ पढ़ाते हैं, जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है। इसीलिए इनकी जमायत का नतीजा 100% होता है। अच्छा देखते हैं कि कौन कौन से इन्होंने वर्ड्स को पिन पॉइंट किया हुआ है मीनिंग के लिए। सबसे पहले ये देखें बेटा, मशहूर, उसके बाद नंबर 2 पर पढ़ाते, नंबर 3 पे काबिल, नंबर 4 पर तरीका, नंबर 5 पे फीसद, ये देखिए वोकैबलरी दी हुई है। वोकैबलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा। सबसे पहले फेमस है, फेमस मीन्स होता है मशहूर, टीच का मानी होता है पढ़ाना, एबल का मानी होता है काबल, मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने का तरीका, हंड्रेड परसेंट का मीनिंग होता है 100%। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, फेमस, मशहूर, टीच पढ़ाना, एबल काबिल, मेथड ऑफ टीचिंग पढ़ाने का तरीका, पढ़ाने का अंदाज 100% 100%। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। पैसेज नंबर 5 है, टेंथ क्लास। पैसेज नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग
पैसेज इनटू इंग्लिश। दरअसल जो पैराग्राफ है उसकी आपने इंग्लिश लिखनी है। तो मैंने ये पैराग्राफ को लाइंस की शक्ल में दिया है ताकि आपको मज़ीद हर एक सेंटेंस को आप अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकें। बेटा मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, तो इसकी इंग्लिश होगी आई रीड इन द 10th क्लास, आई रीड इन द 10th क्लास। जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है, जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। द स्कूल वेयर आई स्टडी इज अ फेमस स्कूल इन द सिटी। द स्कूल वेयर आई स्टडी is a famous school। ये पैसेज नंबर जो 5 है मैं स्टार्टिंग से करने लगा हूँ, और पिछले वाला जो है ना आप इसको डिलीट कर दें। ठीक है, तो पैसेज नंबर 5 की उर्दू है, पैसेज नंबर 5 की उर्दू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पैसेज नंबर 5 है। आपको बता दें बेटा, पहले भी आपको बता चुके हैं कि इस पैराग्राफ की ये जो 40 पैराग्राफ है इसकी उर्दू पेपर में आएगी, एक पैराग्राफ आएगा और ये 10 नंबर का होगा। आइए सबसे पहले हम इसकी उर्दू रीडिंग करते हैं। उर्दू में सबसे पहले पैसेज नंबर 5 है, मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ, जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। मेरी जमात को 4 उस्ताद पढ़ाते हैं, वो सब के सब काबिल हैं, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा जय सब पसंद है। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं फौरन याद हो जाता है, इसीलिए इनकी जमायत का नतीजा जो है 100% होता है। नीचे ये वोकैबुलरी है, वोकैबुलरी का मानी आपको बता दें, वोकैबुलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का मंबा या अल्फाज का ज़हीरा। नीचे वर्ड्स मीनिंग दिए हुए हैं, जैसे यहाँ भी उर्दू के अंदर भी मैंने अंडरलाइन किया है, मशहूर नंबर 1 पे है, नंबर 2 पे पढ़ाते, नंबर 3 पे काबल, नंबर 4 पर है तरीका, और नंबर 5 पे लास्ट है 100%। 100% सबसे पहले देखें, फेमस का मानी होता है मशहूर, टीच का मानी होता है पढ़ाना, एबल का मानी है काबल, मेथड ऑफ टीचिंग का मींस है पढ़ाने का तरीका, 100% मीन्स होता है 100%, 100% मीन्स होता है 100%। अब हम इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करेंगे।
क्लास 10 इंग्लिश एसी नंबर 5 है पैसेज नंबर 5 है ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश दर्जा से जो पैराग्राफ दिया गया है उसकी आपने इंग्लिश करनी है और आपको ये बता दें पेपर में सिर्फ और सिर्फ एक ही आएगा और ये टोटल जो इसके मार्क्स होंगे वो 10 होंगे। सो इसकी स्टार्टिंग करते हैं। मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ I read in the 10th class. I read in the 10th class. जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है। जिस स्कूल में पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है वो शहर का एक मशहूर स्कूल है द स्कूल वेयर आई स्टडी द स्कूल वेयर आई स्टडी इज अ फेमस स्कूल इन द सिटी इज अ famous school in the city the school where I study is a famous school in the city meri jamaat ko char ustad padhate hain meri जमायत को चार उस्ताद पढ़ाते हैं फोर टीचर्स टीच माय क्लास फोर टीचर्स टीच माय क्लास वो सब के सब काबिल हैं वो सब के सब काबिल हैं दे आर ऑल एबल दे आर ऑल एबल लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जैद पसंद हैं बट आई लाइक मिस्टर जैद most of all वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं वो हमें अंग्रेजी और हिसाब पढ़ाते हैं
ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स, एम ए टी एच ई एम ए टी आई सी एस मैथमेटिक्स। इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है, इनके पढ़ाने का तरीका कार इतना अच्छा है कि His method of teaching is method of teaching is so good that is so good that कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं कि जो कुछ वो पढ़ाते हैं We learn very soon इनके पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा है His method of teaching is so good that जो कुछ वो पढ़ाते हैं We learn very soon whatever he teaches us वो हमें फौरन याद हो जाता है that we learn very soon We learn very soon whatever whatever he teaches us whatever he teaches us इसीलिए इनकी जमाई का नतीजा 100% होता है इसीलिए इनकी जमाई का नतीजा 100% होता है दिस इज़ वाई This is why his class shows 100 100% PERCENT results ULTS इसलिए इनकी जमाई के नतीजा 100% होता है This is why his class shows 100% results अब हम इसकी उर्दू ट्रांसलेशन के साथ इसकी दोबारा इंग्लिश रीडिंग करेंगे बेटा 10th क्लास पैसेज नंबर 5 इंग्लिश ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश मैं 10वीं जमात में पढ़ता हूँ आई रीड इन द 10th क्लास जिस स्कूल में मैं पढ़ता हूँ वो शहर का एक मशहूर स्कूल है द स्कूल वेयर आई स्टडी इज़ अ फेमस स्कूल इन द सिटी
स्कूल वेयर आई स्टडी इज़ अ फेमस स्कूल इन द सिटी। मेरी जमात को चार उस्ताद पढ़ाते हैं। फोर टीचर्स टीच माई क्लास। वो सब के सब काबिल हैं। दे आर ऑल एबल। ये भी ठीक है, अगर हम दे की जगह दीज लगाएं, दीज और ऑल एबल, वो भी ठीक है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा मिस्टर जायद पसंद है। बट आई लाइक मिस्टर जायद मोस्ट ऑफ ऑल। वो हमें अंग्रेज़ी और हिसाब पढ़ाते हैं। ही टीचेस अस इंग्लिश एंड मैथमेटिक्स। इनके पढ़ाने का तरीकाकार इतना अच्छा है कि हिज मेथड ऑफ टीचिंग इज सो गुड दैट। जो कुछ वो पढ़ाते हैं वो हमें फौरन याद हो जाता है। वी लर्न वेरी सून वाट एवर ही टीचेस अस। इसीलिए इनकी जमाई का नतीजा सौ फीसद होता है। दिस इज़ वाई हिज क्लास शोज 100% रिजल्ट्स। बेटा ये आपका पैराग्राफ नंबर जो 5 है ये भी कंप्लीट हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10th ट्रांसलेशन पैसेज नंबर 6 है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी उर्दू रीडिंग करने लगे हैं। एक कंजूस था, एक दफ़ा इसका बटवा गुम हो गया। बटवे में 100 रुपये थे। इसने ऐलान किया, जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा। एक दिन एक किसान इसका बटवा लेकर आया। कंजूस ने बटवा देखा, इसमें पूरे 100 रुपये थे। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, मेरे बटवे में 110 रुपये थे, आप सिर्फ 100 हैं, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो। अब देखें इसमें ना उर्दू में सबसे पहले ये नंबर 1 पे कंजूस अंडरलाइन किया हुआ है, इसकी हम इंग्लिश वोकैबुलरी में आपको बताएंगे। नंबर 2 पे लिखा हुआ गुम हो गया। नंबर 3 पे है ऐलान किया। नंबर 4 पे है ढूंढ लिया। नंबर 5 पे है इनाम मांगा। एंड देन नंबर 6 पे लास्टली है पहले ही। वोकैबुलरी का मानी होता है ज़हीरा अल्फाज, यानी अल्फाज का ज़हीरा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास कंजूस का मानी, माइजर का मानी है कंजूस। नंबर 2 लूज का मानी है गुम हो गया, खो गया। अनाउंस ऐलान करना। टू फाइंड ढूंढना या तलाश करना। रिवार्ड इनाम को बोलते हैं। लास्टली है ऑलरेडी, पहले ही या पहले से ही। दोबारा से इसके वर्ड्स मीनिंग देखते हैं। नंबर 1 में माइजर कंजूस। नंबर 2 टू लूज गुम हो गया, खो गया। अनाउंस ऐलान करना। टू फाइंड तलाश करना। रिवार्ड बोलते हैं इनाम को, ऑलरेडी पहले ही। और वोकैबुलरी बोलते हैं ज़हीरा अल्फाज को। अब हम इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हैं। पैसेज नंबर 10 है, 10th क्लास इंग्लिश ट्रांसलेशन पैराग्राफ पे पैसेज नंबर 6 है। ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। पैराग्राफ है उसकी आपने इंग्लिश बनानी है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी उर्दू लिखेंगे। एक कंजूस था, देयर वॉज अ माइजर। एक दफ़ा उसका
बटवा गुम हो गया, वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, बटवे में 100 रुपये थे, बटवे में 100 रुपये थे, देर वर 100 रुपीज इन द पर्स, देर वर 100 रुपीज इन द पर्स। इसने ऐलान किया जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं इसे 10 रुपये दूंगा। उसने ऐलान किया कि जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा, मैं उसे 10 रुपये दूंगा। He announced AWNOUN. He announced I shall give 10 rupees to him who finds and brings the purse to me. Next है कंजूस एक दिन एक किसान इसका बटवा ले आया। एक दिन एक किसान इसका बटवा ले आया। One day a farmer came to him with his purse. नेक्स्ट है कंजूस ने बटवा देखा। द माइजर searched out the purse. इसमें पूरे 100 रुपये थे। There were exact 100 rupees in it. इसमें पूरे 100 रुपये थे। नेक्स्ट पेज पे इसका नेक्स्ट हाफ है। पैसेज नंबर 4, इनफैक्ट पैसेज नंबर 6 रिमेनिंग पार्ट है इसका। जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा जब
किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, When the farmer, demanded his reward, demanded demanded his reward, the miser said, मेरे बटवे में 100 रुपये थे, देर वर 110 रुपीज़ इन माई पर्स, अब सिर्फ 100 हैं, नाउ दे आर ओनली 100, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो, you have already taken 10 rupees. अब इस पैराग्राफ की दोबारा से रीडिंग करने लगे हैं, पैसेज नंबर 6 की शुरू से रीडिंग करते हैं, 10th क्लास इंग्लिश, पैसेज नंबर 6 है, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैसेज इनटू इंग्लिश। एक कंजूस था, देयर वाज अ माइजर, एक दफ़ा इसका बटवा गुम हो गया, वंस ही लॉस्ट हिज पर्स, बटवे में 100 रुपये थे, देयर वर 100 रुपीज़ इन द पर्स, इसने ऐलान किया जो मेरा बटवा ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 10 रुपये दूंगा, ही अनाउंस्ड आई शैल गिव 10 रुपीज़ टू हिम हु फाइंड्स एंड ब्रिंग्स द पर्स टू मी। एक दिन एक किसान इसका बटवा ले आया, वन डे अ फार्मर केम टू हिम विद हिज पर्स, कंजूस ने बटवा देखा, द माइजर सर्च्ड आउट द पर्स, इसमें पूरे 100 रुपये थे, देर वर एग्जैक्ट 100 रुपीज़ इन इट, नेक्स्ट पेज पे इसका रिमेनिंग पार्ट है। पैसेज नंबर 6, इसका रिमेनिंग पार्ट है बेटा, जब किसान ने अपना इनाम मांगा तो कंजूस ने कहा, व्हेन द फार्मर डिमांडेड हिज रिवॉर्ड द माइजर सेड, मेरे बटवे में 110 रुपये थे, देर वर 110 रुपीज इन माई पर्स, अब सिर्फ 100 हैं, नो दे आर ओनली 100, तुम पहले ही 10 रुपये ले चुके हो, यू हैव ऑलरेडी टेकन 10 रुपीज़। ये बेटा आपका पैसेज नंबर जो 6 है वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट हम पैसेज नंबर 7 जो कि अनारकली वाला है उसकी स्टार्टिंग करेंगे। अल्लाह हाफिज़। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें, ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।